नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा वासियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने जा रही है। रीवा से गोविंदगढ़ तक रेलवे लाइन का कार्य पूरा हो चुका है। अब जल्द ही इस रूट पर रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। इसकी जानकारी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दी है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा गोविंदगढ़ तक का रेल मार्ग बन चुका है। रेल संचालन के लिए रेल मंत्रालय को अनुमति पत्र भेजा जा चुका है। अनुमति प्राप्त होते ही रेल गोविंदगढ़ तक जाने लगेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गोविंदगढ़ से सीधी रेल मार्ग का काम जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। 25 जून 2025 तक सीधी तक रेल का संचालन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में सतना से सिंगरौली रेल परियोजना की समीक्षा भी की। इस दौरान सीधी सिंगरौली सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय सहित प्रशासनिक और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने सतना से सिंगरौली रेल परियोजना की अपडेटेड स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण परियोजना विंध्य क्षेत्र की लाइफलाइन है। इसके तैयार होने से विंध्य का सीधा जुड़ाव कलकत्ता से हो जाएगा और विंध्य क्षेत्र औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़कर और तेजी से प्रगति करेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशासन और रेलवे के अधिकारी आपस में समन्वय कर कार्य में आने वाली अड़चनों को दूर करें। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने सभी टनल्स और नदियों में बनने वाले पुलों का काम शुरू करने के लिए रेलवे के अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही सीधी के रेलवे स्टेशन निर्माण कार्य को तुरंत शुरू कराने के लिए रेलवे अधिकारियों को कहा। अधिकारियों के साथ और चारों जिलों के कलेक्टर और सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और पुलिस के अधिकारी और फॉरेस्ट के और रेलवे के जबलपुर में जीएम से लेकर सारे अधिकारी जो फील्ड में काम करते हैं, एक समन्वय बैठक हुई है और ये तय किया गया है कि किसी भी कीमत पर जून 2025 तक रेलवे लाइन सीधी तक बन जाए, जिससे कि रेवांचल जो आती है रीवा वो सीधी तक जा सके। ये आज तय कर दिया गया है और उनकी जो आपस की समन्वय और एक दूसरे के सहयोग के विषय थे सब सामने आ गए हैं और सीधी से सिंगरौली फिर आने वाले 6 महीने के बाद सीधी सिंगरौली में मतलब दिसंबर 25 तक हम उसको भी पूरा कर सकें, इसके लिए योजना बनाने के लिए उनको कह दिया गया है। मोदी जी की सरकार ने और रेल मंत्री जी ने पर्याप्त बजट उपलब्ध करा दिया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये रीवा से सिंगरौली रेलवे लाइन विंध्य क्षेत्र के लिए भाग्यरेखा जो हम लोग समझते रहे हैं और पहले की सरकारों में बजट न मिलने के कारण ये काम नहीं हो पाता था, ये पूरी होने के बाद विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति लाने का जो हम लोगों का सपना है, पर्यटन की क्रांति लाने का जो हम लोगों का सपना है, अगस्त के अंतिम सप्ताह में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और ये रेलवे लाइन का काम को पूरा करेंगे। हाईवे आप देख ही गए हैं, शानदार बनी गई है। गोविंदगढ़ तक तो बन गई है, तो क्या गोविंदगढ़ तक की प्लानिंग है ट्रेन चलाने की? गोविंदगढ़ की भी परमिशन जैसी आएगी गोविंदगढ़ तक चलने लगेगा, लेकिन हमने कहा है कि सीधी तक ले जाने में ज़्यादा उद्देश्य की पूर्ति होगी और सीधी से सिंगरौली मार्ग को पूरा करने का एक दबाव भी बनेगा, इसलिए सीधी तक इस ट्रेन को जून 25 तक हर हालत में पहुंचाना है।